हैं, तो सर्वो मोटर्स हमारे कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होते हैं। अगर मुझे किसी को भी लेफ्ट राइट किसी भी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्लेन बना रहा हूँ मुझे उसके विंग्स को कंट्रोल करना है तो मैं यूज़ करूँगा सर्वो मोटर। डीसी मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीसी मोटर में क्या होता है परफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर जिस एंगल पर सेट करना है 20 डिग्री पर आपने उसे सेट किया, इनकेस बीच में लाइट चली जाती है कुछ हो जाता है आप डिस्कनेक्ट करते हो, जो उसका एंगल होगा 20 डिग्री का आपने दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन को सेट नहीं करता। जो सर्वो मोटर है उसमें इसका जो पोजीशन जीरो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली रिसेट करता है अपनी पोजीशन को, अपनी पोजीशन को रिसेट करेगा मतलब जीरो पे आएगा, उसके बाद ही वो उस डिग्री पे अगेन जाएगा जहाँ तक आपने उसे कोट किया हुआ है। तो जो डीसी मोटर है अगर आप उसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई दोगे इन टर्मिनल्स पे, देखो एक स्पॉट दिख रहा है आपको ये रेड कलर का, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंड है और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव है, तो ये इसका पोलरिटी है। वैसे आप किसी भी पोल में डाल सकते हो, अगर आप प्लस में लगाते हो प्लस और नेगेटिव में